तो अगर आपके पास जो एसी है उसमें अगर बैड स्मेल आ रहा है तो उसे किस तरह से फिक्स कर सकते हो, उसके बारे में ये वीडियो है। तो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर इन जनरल अगर आपका जो एसी है उसमें अगर बैड स्मेल देखने को मिल रहा है तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है और जो जनरल जो रीज़न है, जो फिल्टर है वो गंदा हो गया है। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जो फिल्टर है उसे क्लीन करना चाहिए। तो यहाँ पर 90% जो है अगर आप फिल्टर को क्लीन कर दोगे तो जो बैड स्मेल है यहाँ पर चला जाएगा। तो सिंपली इसके लिए आपको जो है सबसे पहले एसी को जो है बंद करना होगा। उसके बाद जो एसी का जो फॉन्ट पार्ट है उसे जो है यहाँ पर ओपन करके जो फिल्टर है उसे रिमूव कर देना होगा। देन जो सोप वाटर के साथ एसी का जो फिल्टर है उसे क्लीन कर देना होगा। उसके बाद अच्छे से जो फिल्टर है उसे ड्राई करना होगा, डायरेक्ट सनलाइट मत करना। देन फिर से एसी में इंस्टॉल करके जो फ्रंट पार्ट है उसे इंस्टॉल करके एसी को फिर से यूज़ करना, ये जो इशू है फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एसी का जो फिल्टर है उसमें जो है डस्ट हो जाए और बाकी जितने भी एयर पार्टिकल्स है यहाँ पर जमा होता है, जिसके वजह से जो है उसमें बैड स्मेल देखने को मिलता है। तो आप सिंपली रेगुलर ट्राई करना, एटलीस्ट महीने में एक बार जो है एसी का जो फिल्टर है उसे क्लीन करना। अगर आप एसी का जो फिल्टर है उसे क्लीन करोगे तो आपको यहाँ पर बैड स्मेल देखने को नहीं मिलेगा, प्लस बेटर एयर फ्लो, बेटर कूलिंग, बेटर एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर एयर फिल्टर गंदा हो जाएगा तो आपको बैड स्मेल आएगा, प्लस जो एयर फ्लो है वो भी ब्लॉक हो सकता है एंड इसकी वजह से जो कॉम्प्रेसर है उसमें ज़्यादा लोड पड़ेगा एंड जिसकी वजह से जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ सकता है। तो ट्राई करना एटलीस्ट महीने में एक बार जो एयर फिल्टर है उसे ज़रूर से जो है यहाँ पर क्लीन करना ज़रूरी है। इससे जो है आपको बेटर एयर फ्लो एंड कूलिंग एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगा, प्लस आपको बैड स्मेल भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉसिबल रीज़न हो सकता है, जो ड्रेनेज पाइप है उसमें अगर डस्ट वगैरह चला जाता है जिसकी वजह से भी जो है बैड स्मेल देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको सिंपली जो ड्रेनेज पाइप है, ड्रेनेज लाइन है उसे जो है पर क्लीन करना होगा। तो यहाँ पर जो लिप्स वगैरह है और मॉइस्चर के वजह से, वाटर के वजह से जो है यहाँ पर बैड स्मेल देखने को मिलता है ड्रेनेज पाइप में, तो इसे जो है यहाँ पर क्लीन करना चाहिए। तो इसके लिए आपको सिंपली जो ड्रेनेज पाइप है उसे यहाँ पर आप सिंपली ड्राई वैक्यूम कर सकते हो और सोप एंड वाटर के साथ भी जो डस्ट वगैरह है उसे आप जो है सिंपली यहाँ पर रिमूव कर सकते हो। इवन जो पाइप क्लीनर है उसके साथ भी जो ड्रेनेज पाइप में जो डस्ट वगैरह है उसे आप सिंपली क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर ड्रेनेज पाइप में जो है यहाँ पर डस्ट वगैरह रहेगा उसकी वजह से भी जो है यहाँ पर बैड स्मेल देखने को मिल जाएगा एसी में, तो उसे भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो रेगुलर एसी को जो है मेंटेनेंस करना चाहिए। नेक्स्ट एसी का जो इंडोर यूनिट है उसमें जो कॉयल है उसमें अगर डस्ट वगैरह के वजह से जो है यहाँ पर बैड स्मेल देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर एयर फिल्टर जो है उसके बाद ही आपको जो है यहाँ पर इंडोर यूनिट का जो है कॉयल देखने को मिल जाएगा, उसे भी आपको जो है पर रेगुलर क्लीन करना चाहिए। इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर जो सॉफ्ट ब्रश उसे यूज़ कर सकते हो और वैक्यूम क्लीनर के साथ आप जो है बहुत ही इजीली जो इंडोर यूनिट का जो कॉयल है उसे क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान से सॉफ्ट ब्रश के साथ एंड वैक्यूम के साथ, और आप सिंपली जो स्प्रे वाटर करके भी आप जो है जो इंडोर यूनिट का जो कॉयल है उसे क्लीन कर देना। उसके बाद ड्रेनेज पाइप से जो वाटर वगैरह है बाहर निकल जाएगा एंड उसके बाद कुछ टाइम के बाद ड्राई होने के बाद फिर से इसको ऑन करके यूज़ कर सकते हो, होपफुली जो बैड स्मेल है वो चला जाएगा। इसके अलावा अगर फिर भी यहाँ पर एयर फिल्टर चेंज करने के बाद, ड्रेनेज पाइप क्लीन करने के बाद एंड इंडोर यूनिट का जो कॉयल है उसे भी क्लीन करने के बाद भी अगर फिर भी जो है यहाँ पर बैड स्मेल नहीं गया है, तो इसके पीछे जो रीज़न है, जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसे यहाँ पर मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत है, तो जो मॉइस्चर वगैरह होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे आप सिंपली जो है जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसे भी मेंटेन करना चाहिए। एंड इसके अलावा
एसी में जो विंड्स वगैरह है उसमें जो है या पर डस्ट वगैरह के वजह से भी जो है मॉइस्चर बिल्डअप होता है, जिसके वजह से जो है या पर बैड स्मेल देखने को मिल सकता है। तो सिंपली जो विंड्स वगैरह है उसे क्लीन करने के लिए या पर जो टेक्नीशियन है उसे आपको यहाँ पर कॉल करना होगा, एसी को बेसिकली सर्विस करना होगा। जो इनडोर यूनिट आउटडोर यूनिट का जो कॉयल है उसे यहाँ पर वाटर सोप के साथ जो है या और सोप वाटर के साथ जो है प्रॉपर क्लीन करना होगा, उसके बाद ये जो बैड स्मेल है यहाँ पर चला जाएगा। प्लस आप सिंपली जो एयर फ्रेशनर है उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर ये सभी जो है एयर फिल्टर इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट को प्रॉपर क्लीन करने के बाद आप सिंपली जो एयर फ्रेशनर है उसे यूज़ करना, उसके बाद ये जो बैड स्मेल है यहाँ पर चला जाएगा। एंड लंबे टाइम तक जो है आप एसी को यूज़ मत करना, इसके वजह से जो है एसी में ओवर हीटिंग का जो है इशू देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी एसी हो, कोई भी मैन्युफैक्चर का एसी हो, उसमें जो है रेगुलर मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट ट्राई करना साल में एक बार एसी को आप जरूर से सर्विस करना, या पर जो है इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट एयर फिल्टर को जो है यहाँ पर क्लीन करना जरूरी है। रेगुलर अगर आप मेंटेनेंस करोगे तो आपको कोई भी जो है इशू देखने को नहीं मिलेगा, बैड स्मेल नहीं आएगा, कूलिंग के साथ इशू नहीं आएगा, एफिशिएंसी के साथ भी कोई भी इशू नहीं आएगा। तो प्रॉपरली रेगुलर मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पर कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आपका जो एसी है काफ़ी पुराना हो गया है तो आप सिंपली जो एसी का जो फिल्टर है उसे रिप्लेस कर सकते हो, एक बढ़िया जो है एक नया हेपा फिल्टर की यूज़ कर सकते हो, और आप सिंपली जो है कार्बन फिल्टर की यूज़ कर सकते हो, जिसके साथ जो इनडोर यूनिट का जो एयर क्वालिटी है यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा। और आप सिंपली जो है एयर प्योरीफायर को भी यूज़ कर सकते हो, जिसके साथ जो है यहाँ पर हेपा फिल्टर देखने को मिल जाएगा, एंड जो कि इंडोर का जो एयर क्वालिटी उसे इम्प्रूव करता है। प्लस यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसे भी मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल हो जाता है जिसके वजह से जो है यहाँ पर मॉइस्चर जो है देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो है बैड स्मेल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी लेवल को अगर आप प्रॉपर मेंटेन करोगे तो आपको जो है इशू देखने को नहीं मिलेगा। प्लस रेगुलर मेंटेनेंस करने के बाद ही, प्रॉपरली एसी को क्लीन करने के बाद ही ये जो बैड स्मेल का जो इशू है फिक्स हो जाएगा। जो सबसे पहले अगर आपके एसी में जो है इशू देखने को मिलता है तो एयर फिल्टर को क्लीन करो, ड्रेनेज पाइप को क्लीन करो, जो इंडोर यूनिट का जो कॉयल है उसे क्लीन करो, और आप सिंपली टेक्नीशियन को जो है कॉल कर सकते हो, एंड टेक्नीशियन आके जो इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट है उसे अच्छे से जो है क्लीन कर देगा। तो ये सभी टिप्स को फॉलो कर सकते हो, होपफुली आपके एसी के साथ जो बैड स्मेल का जो इशू है फिक्स हो जाएगा। एनीवे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।